नमस्कार आदाब, मैं महावीर। आप सभी का स्वागत है bollywoodcalendar.com के नए सेगमेंट में जिसका नाम है जीवन यात्रा। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी के बारे में। बॉलीवुड एक्टर्स को अपने इशारों पर नचाने वाली मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान इसी साल 3 जुलाई को दुनिया छोड़कर चली गई। उन्होंने अपने करियर में हर बड़े कलाकार को डांस सिखाया। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जैसे अभिनेत्रियों के बेहतरीन डांस के पीछे सरोज खान जी का हाथ था। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। मात्र 3 साल की उम्र में सरोज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 50 के दशक में सरोज खान ने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। डांस ट्रेनिंग में उन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहन लाल से ली। सोहन लाल को 13 साल की सरोज खान पसंद आ गई और फिर दोनों की शादी हो गई। उस समय सोहन लाल 43 साल के थे और साथ ही 4 बच्चों के पिता भी थे। सरोज खान उस वक्त इतनी छोटी थी, उन्हें शादी का मतलब तक नहीं पता था। सोहन लाल से सरोज खान के 3 बच्चे हुए। उनमें से एक बच्चे की मौत जन्म से पहले हो गई थी। कुछ वक्त बाद दोनों अलग हो गए और फिर सरोज खान ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अकेले ही किया। इस दौरान उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर बन गए। हालांकि उनके काम को काफी समय बाद पहचान मिली। फिल्म मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी, तेजा, थानेदार और बेटा के गानों ने धूम मचा दी और सरोज खान की गिनती बॉलीवुड के बड़े कोरियोग्राफर्स में होने लगी। उन्होंने 300 से ज्यादा गानों में कलाकारों को डांस सिखाया और उनके इस योगदान को बॉलीवुड कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये थी छोटी सी पेशकश सरोज खान जी के बारे में। मिलते हैं किसी और कलाकार की जीवन यात्रा के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए bollywoodcalendar.com।